दोस्तों अगर आप लोग भी इस गेम के बड़े लवर्स हैं और इसको खेलते हैं तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब इंडिया ने इसको बैन कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं। दोस्तों आप लोगों ने इस तरीके के मेमे तो काफी सारे देख लिए होंगे अभी तक फेसबुक या व्हाट्सएप पे, और आप लोगों ने यह भी न्यूज देख ही ली होगी कि इंडियन गवर्नमेंट ने 118 चाइनीज ऐप और बंद कर दिए, जिसमें पबजी भी बैन कर दिया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में बैन होने के बाद भी आप पबजी कैसे खेल सकते हैं और पबजी बैन करने के पीछे वजह क्या थी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको क्लिक कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके, और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ भी। दोस्तों इस पेज में आप देख ही सकते हैं जो भी ऐप गवर्नमेंट द्वारा बैन की गई है 118 ऐप, उसमें मोबाइल पबजी और मोबाइल पबजी लाइट भी शामिल है, और यह दूसरा पेज है जिसमें बाकी की ऐप दी गई है, आप देख सकते हैं। दोस्तों पबजी मोबाइल गेम जो है वो ऐप टॉप 5 गेम्स में आती है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, और अगर हम इसके डाउनलोड देखें तो 734 मिलियन लोगों ने इसे अब तक डाउनलोड किया है। और अगर हम भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो पबजी के अभी तक एक्टिव प्लेयर जो हैं वो 50 मिलियन के आसपास हैं दोस्तों। मंत्रालय ने काफी शिकायतें मिलने के बाद इस ऐप पे बैन लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, जारी बयान में यह भी कहा गया है कि ये ऐप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा थी। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि ये ऐप से अनधिकृत तरीके से यूजर्स की सूचना और डाटा चोरी कर भारत से बाहर भेज रहे हैं। ये यूजर्स के डाटा को चोरी कर रहे हैं और उन्हें भारत से बाहर स्थित अपने सर्वर तक गैर कानूनी तरीके से पहुंचा रहे हैं। इन डाटा की चोरी भारत की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए 118 ऐपों को यहां पर बैन करने के लिए बोला गया है मंत्रालय की तरफ से। तो दोस्तों यहां पबजी भी ऐसा गेम तो है फेमस, लेकिन दोस्तों यह भी ऐसा काम कर रहा है जो कि देश हित में नहीं है, तो आप क्यों इसके पीछे पड़े हैं दोस्तों। फिर भी मैं और चीज भी बताना चाहूँगा, अब इस चीज़ के पीछे सिर्फ इतना ही कारण नहीं है दोस्तों, अब काफ़ी सारे ऐसे न्यूज़ भी सुनने को मिली जिससे कि सरकार को मजबूरन इस ऐप को बैन भी करना पड़ा। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, 3-4 न्यूज़ ऐसी भी आई थी, जैसे तेलंगाना का लड़का लगातार पबजी खेल रहा था तो 45वें दिन उसकी गर्दन में तेज दर्द था, हैदराबाद के अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया, वह नर्वस डैमेज होने से मतलब डेथ हो गई उसकी, ऐसा बताया गया। और एक और खबर आई थी जिसमें महाराष्ट्र में गोली में पटरी पर खेलते दो लड़कों को अजमेर एक्सप्रेस ने काट दिया था, वो दोस्तों वो भी पबजी खेलने में इतना बिजी हो गए थे कि उनको ट्रेन आने का पता ही नहीं चला। ऐसे ही दोस्तों जम्मू में एक जिम ट्रेनर ने 10 दिन पबजी खेलने के बाद दिमागी रूप से यहाँ पर बीमार पाया गया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यह कितना डेंजरस साबित हो सकता है हम लोगों के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आप पबजी फिर भी खेलना नहीं छोड़ सकते तो इसको आप बैन होने के बाद कैसे खेल सकते हैं। अब एक न्यूज की बात करें तो आप दोस्तों पबजी बैन होने के बाद भी खेल सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको, जैसा कि ये लिखा गया है पेपर पर देखे तो नाम एक जैसे लेकिन पबजी दो तरीके के हैं दोस्तों, एक पबजी जो मोबाइल में खेला जाता है पबजी मोबाइल, और दूसरा पबजी है जो पीसी में खेला जाता है। तो दोस्तों इस न्यूज की बात करें तो यह टेंसेंट द्वारा पब्लिश किया जाता है पबजी मोबाइल, जिसके सर्वर चीन में बेस्ट पाए जाते हैं, इसलिए यह चीनी ऐप में आता है दोस्तों। और अगर पीसी वाले पबजी की बात करें तो वह पब्लिश होता है पबजी क्रॉप द्वारा, जो कि कोरियन माना जाता है, इसलिए वह कोरियन ऐप है दोस्तों। तो यही वजह है दोस्तों पबजी जो पीसी वाला वर्जन है वो अभी भी उपलब्ध रहेगा आगे भी, और इसको आप आराम से अपने पीसी में खेल सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा था दोस्तों पबजी आप बैन होने के बाद भी खेल सकते हैं, तो यही वजह है पबजी आप बैन होने के बाद भी खेल सकते हैं लेकिन अपने पीसी
लेकिन दोस्तों बात तो वही है, अगर आप ज्यादा पीसी में भी खेलेंगे तो आपके आंखों की रोशनी ज्यादा, खेलने से सर दर्द की शिकायत, और तो और दोस्तों दिमागी संतुलन, और सबसे महत्वपूर्ण बात अगर आप मोबाइल पबजी खेलेंगे तो सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इश्यू है दोस्तों, और देश की सुरक्षा सबसे पहले आती है। इसलिए मेरी माने तो आप पीसी वर्जन खेलना दोस्तों, मोबाइल वर्जन को आप आज ही डिलीट कर दीजिए। अगर आपको यह वीडियो सही लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर नहीं किया है तो तुरंत करिए और बेल आइकन